हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बेका का पुट आ ग्लो ऑन इट किट के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, सब मुझसे बोल रहे थे कि आप बेका के हाइलाइटर का रिव्यू करिए इस किट का, तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। ये तीन चीज़ें मिलती हैं आपके सामने, दो प्राइमर एंड एक हाइलाइटर। एंड ये इसकी MRP है 2500 रुपीज़ एंड इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। बस इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलते हैं जो कि मुझे भी मिला है इसके साथ, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। एंड मैं इसके साथ जितना भी सामान मिला है तो मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। एंड इस टाइप का बॉक्स आता है ये गोल्डन कलर का, लुक एट दैट। एंड फिर उसके बाद ये इसके साथ दो प्राइमर मिलते हैं। फर्स्ट है ये आपका बेका फर्स्ट लाइट प्राइमिंग फिल्टर इंस्टेंट कॉम्प्लेक्सन रिफ्रेश, एंड ये आपको मिल रहा है 15 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, लुक एट दैट। एंड इसको आपको 15 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड इसको आपको मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है, एंड एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करें इस प्रोडक्ट की, तो ये कैसा है, ये एकदम लाइट ब्लू कलर का है, लुक एट दैट। एंड एंड ये बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, तो इसे ऑयली स्किन वाले भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप ग्लो की बात करो तो ये जैसे आपने अपना फेस वॉश किया एंड देन इसको अप्लाई किया तो एक जैसे मॉइस्चराइजर जो वर्क करता है वैसे ही वर्क करता है। एंड बात करूँ मैं ग्लो की, तो ग्लो भी उतना ही प्रोवाइड होता है जितना ऑलरेडी आपकी स्किन में होता है। जिनके बिल्कुल भी ग्लो नहीं है तो उनकी स्किन एकदम ब्राइट इससे थोड़ी सी लगने लगती है, बट एज सच आपको एकदम हाई ग्लो प्रोवाइड नहीं होता है। ये एक मॉइस्चराइजर का ही ये वर्क कर रहा है एंड कोई भी आपका इससे एक्स्ट्रा ग्लो नहीं मिलता है। फिर बात करें ये सेकंड जो प्राइमर इसके साथ मिल रहा है बेस इल्यूमिनेट, ये भी आपका एक इल्यूमिनेट है। एंड ये इसकी बात करूँ ये है बेका स्किन लव, इसको भी आप 15 ml मिल रहा है, लुक एट दैट 15 ml मिल रहा है। एंड ये थोड़ा इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा थिक है एकदम ये, एंड ये थोड़ा ठीक है। अगर ऑयली स्किन आप समर में यूज़ करो तो ये आपको थोड़ा सा चिपचिप लग सकता है, बट विंटर्स में सभी को ये सूट करेगा। ड्राई स्किन वालों को तो मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही पड़ेगा। एंड लुक एट दैट, कोई भी ग्लो प्रोवाइड नहीं होता है इससे, बस ये लगता है कि आपने एक मॉइस्चराइजर लगा लिया है। जो जिस टाइप से आपकी स्किन लगती है वैसी लगती है, आप लोग पास से भी आप देख लो एंड दूर से भी देखो, कोई भी ग्लो पता नहीं चल रहा है। एंड ये जो मतलब इतना कॉस्ट है, इतना इसके बारे में सुना हुआ है, उस टाइप से ये वर्क नहीं कर रहा है, बट एक आपको एज अ मॉइस्चराइजर ये काम करेगा। एंड फिर मुझे मिला इसके साथ एक ये हाइलाइटर, एंड ये शेड है मेरा मून स्टोन, लुक एट दैट मून स्टोन। एंड अगर आप इसे इंडिविजुअली अलग से परचेज करते हो तो ये 1500 का मिलता है एंड बहुत छोटा सा है। एक ये साइड पर मिरर दिया हुआ है एंड ये आपका हाइलाइटर है, लुक एट दैट। जब आप प्रोडक्ट, अभी समय मैंने बहुत सारा लिया है तो ये आपको ये दिख रहा है। एंड देन जहाँ आप इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करते हो अपने फेस पे तो ये बिल्कुल भी आपके स्किन में ये मर्ज हो जाता है बिल्कुल। मतलब ये आपको, ये पूरी किट है आपकी। मैं अगर हाइलाइटर की सिर्फ बात करूँ तो हाइलाइटर अच्छा है, मतलब बहुत ही नेचुरल से है, मतलब ग्लो लाइक नो ग्लो इस टाइप का इससे आपको प्रोवाइड करता है। मीन्स ये स्किन में आपके ऑब्जर्व हो जाता है और इस टाइप का ग्लो प्रोवाइड करता है, जैसे बहुत बहुत लोगों की स्किन जो होती है बहुत अच्छी ग्लो करती है। एंड ये ऑयली स्किन वालों को सूट करे, क्योंकि जितना अगर आपके नोज़ पे या जितना भी आपके हाईलाइट एरिया है उन पे अगर आप लगाते हो, जितना ग्लो होता है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है एंड उसके बाद ये लिटिल शाइन लगता है बिल्कुल। ये आपके डे पर्पज़ के लिए ये किट बहुत सही है, और जिनको बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं चलता है, एकदम नेचुरल आपकी स्किन लगती है। हाईलाइटर मैं बात कर रही हूँ, और ये दोनों ही आपको एज अ मॉइस्चराइजर का ही वर्क कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्लो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया आपका ये मून स्टोन। एंड देन फिर जो मुझे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिला था ये है शैम्पेन, बहुत छोटू सा ये भी है एंड ये थोड़ा सा गोल्ड टाइप का है, ये लुक एट दैट। एंड बात करूँ अब इसकी, ये मैंने प्रोडक्ट जिसे ज़्यादा लिया है आपको दिखा, जब इसको भी ब्लेंड करते हैं तो ये स्किन में बिल्कुल मर्ज हो जाता है एंड बिल्कुल नेचुरल आपको लुक देता है, लुक एट दैट।
बहुत ज़्यादा इसमें जैसे चंकी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नहीं है, एकदम नेचुरल से हैं, आपकी स्किन में इतने अच्छे से मर्ज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है, कि बहुत हाई नहीं लगता, मतलब एकदम आपका सटल नेचुरल सा ग्लो आता है। एंड फिर बात करें जो इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिला है, इसके साथ साथ आपको मतलब दो हाईलाइटर के भी मिल गए, और एंड इसका जो सेटिंग पाउडर है उसका भी आपको रिव्यू मिल रहा है, इस टाइप से ये आता है, लुक एट दैट। एंड अगर इसे आप अलग से परचेज करते हो तो ये भी हाई कॉस्ट का, आई थिंक 2000 ऐसे तक आता है ये। ये देख सकते हो आप, इसको मैंने लगाया था एंड बहुत ही मतलब इतना सॉफ्ट है, एकदम बटरी सॉफ्ट है, एंड बहुत आपका मतलब स्किन आप देख सकते हो इससे एकदम ब्राइट हो जाती है एकदम से आपकी, लुक एट दैट। इसे आपको थोड़ी सी लिटिल बिट ब्राइटनिंग भी मिलती है एंड बिल्कुल सेट हो जाता है आपका मेकअप, कोई भी मतलब चिपचिप या वो नहीं है, आपको ऑयली स्किन वालों को भी सूट करेगा, बट ये भी आपको बिल्कुल नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड अब बात करूँ ये सारी चीज़ों की, तो अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगी आप हाईलाइटर ले सकते हो, वो भी अगर डे पर्पज़ के लिए ये ठीक है, नाइट में अगर आप जा रहे हो पार्टी में या कहीं पे भी तो उस हिसाब से ये आपको नहीं पता चलेगा, या हाँ जिनको मेकअप नहीं पसंद है उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल आपको लिटिल बिट ग्लो प्रोवाइड होगा कि जैसे आपकी नेचुरल स्किन है। एंड सेटिंग जो पाउडर है इसका, ये भी आपको एकदम नेचुरल स्किन दे देता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने हैवी कुछ लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। अब बात करूँ इसके प्राइमर की, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको तो परचेज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर का ही वर्क कर रहा है एंड कोई भी आपको ना ग्लो इससे मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओवरऑल अगर प्राइस से भी देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे से आपको ये मिल रहे हैं, एंड लुक एट दैट। एंड अब ये हाइलाइटर आप देख लो, डे पर्पज से सही है, बहुत तो एकदम सटल ग्लो मिलता है, बढ़िया है। प्राइमर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, एंड 2500 का ये मिलता है आपको बॉक्स, अगर आप सेपरेट लेते हो तो इनके प्राइस अलग अलग हैं, ये आपको 1500 का मिल जाता है। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बाय बाय।